dynamic success the junior college enter to win masters in mpc and bypc Assalamualaikum main sayyid azmatullah husaini telangana pradesh congress committee campaign committee ka convener jo haal hi mein congress ke sadar shrimati sonia gandhi ji ne mujhe कैंपेन कमेटी का कन्वेनर मुझे अपॉइंट किया गया उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साबिका कांग्रेस कमेटी के सदर अली जनाब राहुल गांधी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी तरीके से पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का जी, हमारे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एएससी इंचार्ज श्री मानिक ठाकुर जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ जैसे यंग लीडर को जो कांग्रेस में पिछली 22 साल से मैं तलबा तंजीम का मैं रियासती सदर रह चुका हूँ, यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और कई रियासतों के इंचार्ज के बहसियत इंचार्ज में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद मुझ पर आज जो कैंपेन कमेटी आने वाले जो 2 साल है कांग्रेस पार्टी के लिए, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस रियासत के लिए बहुत ही अहम रहेंगे। आज जिस तरीके से कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी और तेलंगाना वाईएसआरसीपी ये माहौल में ये कैंपेन कमेटी कन्वेनर मुझे मुंतखब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और इंशाल्लाह इस पे मैं ये तवक्कात पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और ख़ास तौर पर अखिलतों के लिए एक नुमाइंदे के तौर पर अखिलतों के लिए और अखिलती नौजवानों के लिए एक नुमाइंदे के तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी में काम करूँगा। इस देश की सेकुलरिज़म, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, सेकुलरिज़म को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है उस सब चीज़ों को मैं उसमें अपना एक रोल अदा करते हुए एक माइनॉरिटीज को एक फ्रंट लाइन में, पॉलिटिकल फ्रंट लाइन में लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। उसी के चलते हुए आज मेरे सभी जो मेरे भाई लोग आज यहाँ पर मुझे एक गेट टुगेदर रख के मुझे यहाँ पर एक तहनीत पेश करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया और उसके लिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हुआ हूँ और उन तमाम लोगों का जो भी खुशी से मुझे आज मुझे यहाँ पर बुला के तहनीत जो मुझे मेरी गुलपोशी की है उसके लिए मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, हमारी ताकत बनिए और हमें हिम्मत अफजाई कीजिए ताकि रियासत और इस शहर के तरक्की के लिए, शहर के गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए जो बीजेपी जिस तरीके से अपने कदम बढ़ा रही है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारी ताकत बनिए क्योंकि अब आने वाला दौर नौजवानों का है। पीसीसी प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी आज नौजवान क़ायद को हम जैसे मखलतों से नौजवानों को मौका दी है, हम सब हमारे लिए एक आप लोग एक ताकत बनिए। इंशाल्लाह हम यकीनन इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का रोल है और इस रियासत को, तेलंगाना को आज़ाद करने में भी कांग्रेस का रोल है। आने वाले दिनों में इस कांग्रेस के फलाह बहबूदी सिर्फ कांग्रेस इस रियासत के फलाह बहबूदी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। आज इस चीज़ को समझने की आज एक फैमिली की हुकूमत चल रही है, फैमिली और फैमिली के बेटा और बेटी की हुकूमत चल रही है, इसलिए इस हुकूमत को, रियासती हुकूमत को उस प्रगति भवन से बाहर लाना है, अवामी हुकूमत बनाना है तो कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जमहूरी हुकूमत चलेगी, ना किसी का डिक्टेटर हुकूमत। जमहूरी हुकूमत अगर हमको चाहिए तो कांग्रेस को वापस लाने की आज ज़रूरत है, इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है से कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए, हम जैसे लोगों के, नौजवानों के हाथ मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह हम अखिलतों की एक आवाज़ बन के आपके सामने उभरेंगे और आपके तवक्कात को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।